तो जिद कर लिया, हट कर लिया कि नहीं हमें तो चाहिए सोचाइए। तो कहा देवी तुम जिद मत करो, हट मत करो। परंतु दीति ने हट करके ही बैठ गई। तब कश्यप मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? कि जाओ तुम्हारे संतान तो दो होगी परंतु दोनों की दोनों विद्वान नहीं होगी, समझदार नहीं होगी, बल्कि दोनों की दोनों राक्षस प्रवृत्ति की होंगी, दोनों ही राक्षस होंगे। अब दीति चरणों में गिर गई कि अरे मुझे राक्षस नहीं चाहिए पुत्र पुनः। तो कश्यप महाराज ने कहा अब मुख से निकल गई बात तो निकल गई, अब तो होंगे। चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगने लगी। तो कहा जाओ तुम्हारी दोनों संतानें तो राक्षस प्रवृत्ति की होंगी परंतु तुम्हारा जो पौत्र होगा वह अलंपट ज्ञानी यशस्वी मनस्वी तपस्वी और भगवान का राज दुलारा होगा, भगवान को प्राप्त करने वाला। तो दीति बोली तब मुझे कोई चिंता नहीं और उसका नाम होगा प्रहलाद। दीति प्रसन्न हो जाती है इतनी सी ही बात से। यह दोनों कौन है जो यहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आ रहे हैं? यह दोनों राक्षस कोई और नहीं, यह दोनों हैं एतु पार्षदो। यह दोनों पार्षद हैं महायम जय विजयो एव च। भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय और विजय। जय विजय। तो कहा ये इस योनि में क्यों? तो कहा यह अपना कार्य कर रहे थे दोनों, अर्थात पार्षद का। यह दोनों भगवान के पार्षद बने हुए खड़े थे बाहर। सनत कुमार इन भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ धाम जाता है। तब सनत कुमारों से इनसे कहा कि हमें अंदर जाने दीजिए। तो इन्होंने मना कर दिया कि भगवान के विश्राम का समय है, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। सनत कुमारों ने कहा हम तो जाएंगे, हम तो जाकर ही मानेंगे। कई बार मना किया फिर भी ना माने। तो सनत कुमारों ने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ, जबकि यह तो अपना कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे। परंतु यह सनत कुमारों का श्राप उनके लिए कृपा बन गया। सनत कुमारों को अंदर भगवान के दर्शन नहीं मिले, भगवान बाहर आए। भगवान ने कहा तुमने गलत किया है, तुमने क्रोध किया, इसलिए तुम्हारी सारी की सारी पूजा जितनी तुमने की थी वह कार्य की ना रही। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, इनको तीन योनियां मिलेगी, तीनों में इनको राक्षस बनना पड़ेगा, परंतु तीनों में इनका उद्धार करने आप जाएंगे। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप शिशुपाल दंतवक्त रावण और कुंभकर्ण यह इनकी योनियां। तो यह वही पार्षद। तो जैसे ही इन दोनों ने जन्म लिया है धीरे धीरे इनकी दुष्टता का जो प्रकाश था वो बढ़ने लगा। परंतु यह दूत तो भगवान के ही थे, पार्षद भगवान के ही थे। दोनों ने अवतार लिया, दोनों आए जन्म लिया। वर्णन कहीं कहीं ये आता है कि दोनों लगभग 100 वर्ष तक भी गर्भ में रहे थे, कहीं कहीं वर्णन मिलता है। उस समय पृथ्वी जो थी वो यह भार सहन न कर सकी दुष्टता का, संरचना का कार्य उस समय चल ही रहा था। तो पृथ्वी भार सहन न करने के कारण से जल में चली गई। अब पृथ्वी को लाए कौन?
ब्रह्मा जी चिंता अवस्था में चिंतित हुए हुए क्या करें। चिंता सोचते सोचते ब्रह्मा जी को छींक आ गई और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई कि उनकी नासिका छिद्र से एक शुक्राणु के रूप में उनकी नासिका से एक छोटा सा जैसे जिसे हम छींक कहते हैं वैसे छोटा सी एक बूंद बाहर आई और वह बूंद उस अणु जो उनकी नाक के माध्यम से बाहर निकला उसने शुक्र का अर्थात वराह का रूप धारण कर लिया। बोलिए वराह अवतार की जय। वराह अवतार वराह रूप धारण कर लिया वराह का रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े दंतुष्टाएं दंतु ने जिस प्रकार यह अवतार क्यों धारण किया क्योंकि ध्यान से देखिएगा कि जो सुअर होता है वो पृथ्वी को सूंघता रहता है उसकी गंध लेता रहता है और यह भगवान अवतार धारण कर पृथ्वी की गंध लेते हुए उसे जल में जाकर अपने दंतष्ट्राओं मतलब जो बड़े बड़े दांत थे उस पर रखकर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। उस समय का विज्ञान देखिए कि पृथ्वी तो जल में तो सभी देवी देवता आकाश सभी सब जो भी थे आकाश में ही विचरण किया करते थे आकाश में ही घूमा करते तो वह आकाश में विचरण करते करते नारद जी नारायण नारायण और श्री कृष्ण गोविंद का कीर्तन करते हुए नारद जी ऊपर घूम रहे थे विचरण कर रहे थे। इतने में हिरण्याक्ष आता है उनके पास और पास आकर के कहता है क्यों मुनिवर केवल ये वीणा और बजाना ही जानते हो या कुछ और भी आता है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण हम तो भाई सिर्फ यह वीणा बजाना जानते हैं इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता इसके अलावा कुछ भी हम नहीं जानते। अच्छा ये बात कहां का आज हाथ में बड़ी खुजली आ रही है तो हमने सोचा कि नारद जी ने कहा तुम्हें एक शख्स बतलाता हूं वो या तो तुम्हारे हाथ की खुजली मिटा देगा या फिर भाई तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी का जल्दी बताओ। कहा देखो समुद्र में से जल में मग्न हुई पृथ्वी को कोई लेकर के बाहर आ रहा है उससे जाकर के तुम युद्ध कर सको तो कर लो। कहा बस बता दिया आपने वही बहुत है और वह चल चल जाकर के जल में भगवान वराह रूप धारण किए हुए हैं दांतों पर अपने रखकर पृथ्वी को दंतुनों पर रखकर लेकर आ रहे हैं कि इतने में हिरण्याक्ष जाकर उनसे छेड़खानी करने लगा मतलब बार बार कभी उनके इस ओर आए कभी इस ओर आए कभी खुजली करे कभी कुछ करे तो भगवान को क्रोध आया और दोनों में आपस में युद्ध शुरू हो गए। दोनों में युद्ध शुरू हुआ आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे दोनों में युद्ध आगे बढ़ा और युद्ध बहुत आगे तक बढ़ गया। अंत में भगवान ने जोर का एक चांटा लगाया है जैसे ही वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के मुख पर चांटा मारा कि वहीं पर हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का मेरे भगवान वहीं पर उद्धार कर दिया। इस बात से उसका भाई हिरण्यकश्यप विष्णु से द्वेष रखने लग जाता है। ऊपर से देवताएं सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं भगवान पर। पुनः भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर आ रहे थे यह युद्ध चर्चा हुई या पृथ्वी के मन में अहंकार अभिमान आ गया कि देखो भगवान का तो हमारे बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। भगवान ने कहा
अब इनका भी अभिमान पहले दूर करना जरूरी हो गया। तो भगवान ने पृथ्वी को एक सुंदर सा दृश्य दिखाया है, जहां पर तुलसी के ही तुलसी के वन बड़े ही बहुत आनंद से जहां यमुना विचरण कर रही है, बह रही है, पक्षी अपनी आवाज में कलरव कर रहे हैं, सभी आनंद के साथ है वहां पर। पृथ्वी ने सोचा, मैं तो भगवान के दंतुने ऊपर हूं, तो ये क्या है? तो कहा, भगवान मैं तो आपके दंतुने ऊपर हूं, फिर ये कौन सा स्थान है? भगवान ने कहा, देवी यह है वृंदावन, तुम हो चाहे ना हो, इसका वर्चस्व सदैव रहेगा। इसीलिए तो तीर्थों का गुरु है पुष्कर और राजा है पर्याग। तो सभी जो छोटे स्थान है वो पर्याग को कर देते हैं राजा, पर छोटा सा यह वृंदावन कर नहीं देता। तो पर्याग ने जाकर भगवान से कहा कि भगवान मेरा इतना अपमान कर रहे हो, आपका छोटा सा वृंदावन मुझे कर नहीं देता। भगवान ने कहा, हमने तुम्हें राजा बनाया है सभी, पर अपने घर का राजा नहीं बनाया, वृंदावन हमारा घर है। और मेरे भगवान वराह का उद्धार करते हैं, पुनः पृथ्वी की स्थापना करते हैं। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। भगवान ने पापों का नाश किया है। देखिए हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती है, जिनको हम विचार नहीं करते, सोच नहीं सकते कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा। वह घटना हमारे साथ होती है तो हम भगवान को शायद कोसने लग जाते हैं। हम भगवान को कोसते हैं और भगवान से यह बात कहते हैं कि आपने जो हमारे साथ किया है यह गलत है। पर प्रकृति का यह नियम है, एक तो कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। कोई छोटी उम्र में जाता है, कोई मध्य में, और कोई अपनी पूरी उम्र लेकर, परंतु सभी अपनी उम्र लिखवा कर लाता है। जाने का शायद बहाना हो सकता है, मृत्यु के तरीके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, तो वो हमें दुखित कर जाता है। ऐसे ही जो आज की हमारी कथा में यजमान थे सूरत से, श्री सुरेंद्र जी मुंदड़ा, उनके पुत्र संदीप जी मुंदड़ा, जो कि पर्यावरण के बड़े ही सुंदर प्रेमी भी थे, पशु पक्षियों से प्रेम करना, पर्यावरण के कार्यों में, प्रकृति के कार्यों में बड़ी रुचि रखते थे। परंतु विगत वर्ष में भगवान की लीला थी कि छोटी सी उम्र में अपनी देह को त्याग कर उनको भगवान के पास जाना पड़ा। असामयिक उनका निधन हो गया, लगभग 17-18 वर्ष की आयु में ही। तो यह शायद उनकी परिवार के लिए बड़ी ही अप्रिय घटना हुई, परंतु आना जाना, लाभ हानि, यश अपयश, कीर्ति, ये सब विधि के विधान हैं। इनके सामने हमारी नहीं चलती। अगर वह गए हैं छोटी सी उम्र में, तो मान कर चलिएगा कि शायद वह हमारी पीछे की 7 पीढ़ियों के, आने वाली 7 पीढ़ियों के ऊपर से कोई इससे बड़ी भी अन्य घटनाओं अपने साथ लेकर गए। यह घटना तो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है उनके परिवार के लिए। और वर्णन तो यह भी है कि ऐसे अकारण कोई चला जाता है तो वह किसी न किसी रूप में पुनः लौट कर आता है।
क्योंकि उनकी अवस्था में उनकी कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती है। वह बाल्य अवस्था में किशोर अवस्था की ओर अग्रसर हुए और शायद जीवन क्या है या जीवन की क्या शैली है या जीवन आगे क्या है वो उनको अभी देखना बाकी था। शुरुआत ही का समय था उनके तो जीवन का, परंतु भगवान ने अपने पास बुलाया है तो हम पूर्ण संस्थान की ओर से यह ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में मेरे कृष्ण मेरे परमात्मा स्थान दे और उनका परिवार सदैव ऐसे ही धर्म के कार्यों में लगा रहे। संदीप जी की स्मृति शेष में धर्म के कार्य सदैव करता रहे क्योंकि वह दिव्य आत्मा तो अब चली गई, लौट कर आना संभव नहीं, पर उसको खुश करने के कार्य भगवान के कार्य धर्म के कार्य हम कर सकते ताकि उसे सुख की प्राप्ति हो आनंद की प्राप्ति हो। इस प्रकार पृथ्वी संरचना का यह क्रम आगे बढ़ता है। जोर से कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। यह क्रम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तत्पश्चात इसी क्रम जिन्होंने सृष्टि को सांख्य योग सांख्य दर्शन का महत्व समझाया ऐसे मेरे भगवान का अब अवतार हो। भगवान ने ऐसे ही एक ब्रह्मा जी के दिव्य पुत्र है छाया से उत्पन्न हुए जिनका नाम है करदम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वह है करदम। करदम मुनि बड़ी आनंद से अपनी तपस्या में लीन थे, भगवान भजन कर रहे थे आनंद से। भगवान से उनकी उस समय के संत लगभग लंबे समयों तक तपश्चर्या करते थे। उनको भान ज्ञान नहीं रहता था कि हम कितने समय से तपस्या में कितने युग बीते हैं कितना समय बीता है उनको पता नहीं चलता था। लग गई भगवान में सो लग लग। करदम जी तपस्या से उठे, विचार किया कि देखो सभी विवाह करते हैं आनंद से रहते हैं अपना जीवन यापन करते हैं, मैं भी करूंगा। मन में विचार क्या किया है मैं भी अब तपस्या करूंगा, पर किस लिए कि जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए और बैठ गए तपस्या। इस आस्था को लेकर कि मेरा जल्दी से विवाह। भगवान ने कहा देखो इन बुढ़ाऊ को तपस्या कर रहे हैं इसलिए कि जल्द से जल्द मेरा विवाह हो, इसलिए यह तपस्या कर रहे हैं। और वह समय व्यतीत हुआ। भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, कहा प्रसन्न हूं आपसे करदम सीधे चरणों में गिर कहा भगवान बड़ी कृपा, कहा बड़ी सुंदर तपश्चर्या की आप, हम प्रसन्न हुए मांगे क्या मांगे कहा अरे भगवान अब आपसे क्या मांगे। अब कहने में शर्म लग लज्जा लग शर्म आए कि इनको कैसे बोलूं कि हमने विवाह के लिए तपस्या की है। भगवान को सामने तो बोल नहीं सकते। कहा भगवान बस आपसे मिलने की इच्छा थी सो ही तपस्या कर ली। भगवान ने कहा अच्छा हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लो। करदम मुनि सोचने लगे भगवान ये क्या कह रहे हैं। करदम मुनि का भगवान हम विवाह करें ना प्रभु ना हम नहीं करेंगे। कहा बाप ना करते हो तो बात अलग है, वरना हम तो आपके लिए कन्या देखकर आए थे।
स्वयं भू मनु की कन्या है जिसका नाम है देवहूति, उसके साथ हम तो आपका विवाह तय करके आए थे सोचकर। अब आपकी इच्छा है भाई, आप ना कर्दमुनि भगवान के चरणों में गिर गया। कहा भगवान आप तो सब जानते हैं, पर कितना मूर्ख था कि तपस्या की इसलिए कि जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए। भगवान अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिल गए। भगवान ने कहा हम तो बात करके आए थे, अब आप नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। कहा भगवान अब आपकी बात है तो टाली कैसे, परंतु हाँ हमारी भी एक शर्त है। कहा बोल कि पहली बात हमारे घर संतान पुत्र बनकर आपको आना पड़ेगा, और जैसे ही आप मेरे घर पुत्र संतान बन के आओगे हम गृहस्थी छोड़ देंगे। भगवान ने कहा ठीक। कहा कन्या को देख लीजिए। कर्दम मुनि ने कहा भगवान आप मेरे पिता हैं, आपने पसंद कर ली फिर हम क्यों देखें। देखिए उस समय में बच्चों को विवाह की बात करने में उनके सामने जब बात चलती थी तो शर्म लगती, और एक आज का समय कि विवाह की बात चले तो इंची टेप साथ में लेकर जाता कि अगर मैं 6 फुट का हूं तो वो 5.25 नहीं चलेगा, अगर मैं 5.5 हूं तो वो 5.6 नहीं चलेगा। शर्म हया को दूर ही कर। और उस समय जिस प्रकार माता पिता ने तय कर दिया और वह विवाह, तो देखिए वह विवाह लंबे समय तक टिका भी करते थे। उनमें ऐसे लड़ाई झगड़े क्लेश होना कहीं वर्णन नहीं आता। और आज के समय में परमात्मा बचाए, प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही सुंदर यह कर्दमुनि ने भगवान के कहने से स्वयं मनु की पुत्री देवहूति से विवाह कर लिया। परंतु पहले ही शर्त रख दी कि हम विवाह तो करेंगे, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हमारे घर पुत्र बनकर अर्थात पुत्र हमारे घर जन्म लेगा हम गृहस्थी त्याग देंगे। स्वयंभू मनु ने कहा कि राजा के घर में पली पुत्री देवहूति आज आई है कर्दम मुनि से ब्याह। अब कर्दम मुनि का घर महल कैसा है एक बार ध्यान दीजिए कि नीचे तो सैकड़ों बिल खुदे हुए हैं, ऊपर सैकड़ों घोंसले बने हुए हैं, और छोटी सी पर्णपुटी छोटी सी झोपड़ी। देवहूति ने कहा भगवान ये नीचे इतने बिल कहा इनमें किसी में बिच्छू है, किसी में चूहा है, किसी में सर्प है, तो कहा ये यहीं रहते हैं, कहां दे, ये इसे अपना ही घर मानते हैं और सब यहीं रहते हैं। कहा ये ऊपर, कहा हाँ ये पक्षी भी सभी इसी को अपना घर मानते हैं, तो कहा ये सब जब इसे अपना घर मानते हैं तो आप अपना घर किसे मानते हैं। तो कहा देखो देवी वो सामने 1.5 फुट का आसन लगा है, बस हमें इतना ही स्थान बहुत। देवहूति के नेत्र सजल हो गए। कहा देखो मुझे कितना त्यागी पति मिला है, इतना त्यागी। कहा ठीक है देवी अब तुम्हारा ही घर है, साफ सफाई करो, तब तक हम थोड़ा से भगवान की स्वाध्याय अर्चना वंदना कर लेते। कहा ठीक है। देवहूति जी अपने सफाई में लगे। अब कर्दम मुनि की वह स्वाध्याय वह ध्यान इतना लंबा हुआ कि वो लंबी तपस्या बन गई। बहुत लंबे समय बाद उन्हें होश आया अर्थात ध्यान से बाहर आए, तो देखा पास ही में एक बूढ़ी सी औरत है जो झाड़ू लगा रही सफाई कर रही। तो कह रहे देवी तुम कौन हो। देवहूति ने सोचा अरे मुझे ही भूल गई। कहा याद कीजिए आज से 40-50 वर्ष पूर्व मेरे पिता स्वयंभू मनु आए थे आपसे विवाह किया कि हाँ हाँ याद आ। अच्छा तुम देवहूति हो, अरे देवी हमारा इतना लंबा ध्यान लग गया तुम अपने पिता के घर नहीं गई। कहा जब मेरे पति कार्य में है वह ध्यान में लीन है और मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं, मेरे लिए मेरे पति का घर ही श्रेष्ठ घर है।
कर्दम मुनि ने सोचा तो कहा तुम खाती क्या, तो कहा यहाँ से कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती। कहा अच्छा जी ये कहाँ? कहा नेत्र बंद करो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, नेत्र बंद किया है, और जैसे ही नेत्र खोले तो सामने एक सुंदर सा समुद्र जिसका नाम था बिंदु सरोवर। दोनों ने हाथ पकड़कर उसमें डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई सो वैसे ही दोनों पुनः वह कर्दम मुनि तो बन गए अपने 21 वर्ष के, और वह देवहूति बन गई 16-18 वर्ष की, पुनः पहले की अवस्था में लौट आए। अब दोनों ने साथ में संगम समागम किया, तो पुत्र बनकर तो भगवान आए नहीं, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। 9 कन्याओं ने जन्म लिया है घर पर, जिन्हें हम कहते हैं नौदाबा। वह नौदाबा जिनमें बड़ी ही बड़ी है कला, और नौ की नौ नौदा भक्ति के मुख्य रूप होता है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सांख्य भाव और आत्मनिवेदन। तब 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 नौ कन्याओं ने जन्म लिया। अब कर्दम मुनि सोचे, कह रहे भगवान तो आए नहीं, उन्होंने आने का कहा था। विचार करने लगे, और आज उनके घर पर मेरे भगवान ने छोटे से रूप में अवतार लिया है। बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय। कपिल मुनि बनकर भगवान उनके घर पधारा, तो कहा देखो देवी, हमने तुम्हारे साथ विवाह किया, समय पूर्ण व्यतीत हुआ, और हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही हमारे घर पर भगवान आएंगे सो ही हम गृहस्थी को त्याग देंगे, समय के साथ हम गृहस्थी को त्याग देंगे, सो हमारे घर भगवान ने जन्म लिया है। और इसी के साथ कर्दम मुनि भगवान के नाम का जाप सुमिरन करते हुए अपने ग्रह को त्याग देते हैं।